चलिए हम इन दो क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। इन दो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपके पास, अब अगर हम बात करें तो जो सेम पोर्शन है उस सेम पोर्शन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम इफेक्ट उनके देखेंगे जो आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे इसका ये आप देखो, इसका पोजीशन बार बार चेंज हो रहा है, तो पोजीशन बार बार चेंज हो रहा था, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो एग्जैक्टली तीनों में सेम दिख रहा है हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई है और यहाँ पे भी माइनस आई है। अब तीनों जगह पे माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों ही क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो स्टेबिलिटी सब डिक्रीज करेगा। बट यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज कम होगी, रीजन क्या है, क्योंकि आपके पास जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अगर ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो इफेक्ट कम होगा, इफेक्ट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कम होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। ये तीनों ही मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी को यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, बट यहाँ पर डिक्रीज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज़्यादा होगा इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन आपके पास माइनस आई है, ये आपके पास प्लस आई है, और ये आपके पास क्या आ गया, माइनस आई NO2। अब हमें देखना है कि दो माइनस आई है एक प्लस आई है, तो ऑब्वियसली प्लस आई क्या करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, तो ये आ जाएगा वन नंबर पे, मैं नंबर वाइज लिख रहा हूँ, ये आ गया फर्स्ट नंबर पे। हम बात करते हैं अब इन दोनों में सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी क्योंकि ये प्लस आई शो कर रहा है, बाकी हम इनकी बात नहीं करेंगे। हालांकि ये भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, बट हम बात करेंगे जो आपका डिफरेंट है। तो यहाँ पे CH3 डोनेट कर रहा है तो फर्स्ट पोजीशन पे, बाकी दोनों विड्रो कर रहा है तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन ज़्यादा विड्रो करेगा, NO2 ज़्यादा विड्रो करेगा या F ज़्यादा विड्रो करेगा, तो NO2 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रो करेगा, जो हमने सीरीज में पढ़ा था। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देगा, और बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा तो इसका नंबर आएगा थर्ड, यानी कि सेकेंड पे आ जाएगा ये। तो वाटर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, फिर इसकी होगी और फिर इसकी, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन क्या होता है उस सीरीज में बाद में आता है, पहले NO2 आता है, तो NO2 का माइनस आई ज़्यादा है, माइनस आई ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी को ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है, तो ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा और यहाँ पे कम डिस्टेबलाइज होगा, तो इस वजह से ये सेकेंड आपके पास आ जाएंगे। ऐसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, लेट्स सपोज आपके पास कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन में हमने क्या किया, यहाँ पे दो फ्लोरीन ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दो CH3 ग्रुप ले लिया। लेट्स सपोज यहाँ पे आपके दो CH3 ग्रुप है, फिर क्या कंडीशंस होगी, तो सिंपल है, दोनों प्लस आई है तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसी क्वेश्चंस आपको ऐसे बना के दे सकते हैं कि मान लो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन के साथ हमने एक जगह पे NH2 ले लिया, और एक जगह पे हमने क्या किया, यहाँ पे कार्बोकैटायन के साथ NH2 डाल दिया। अब इनमें अगर पूछा जाए तो हमने क्या देखा था, पहले ही NO2 का माइनस आई बहुत ज़्यादा होता है, तो NO2 का माइनस आई बहुत ज़्यादा होता है तो इन्वर्सली सोचो, माइनस आई है तो इन्वर्सली सोचो, इसका माइनस आई ज़्यादा है तो इसका कम होगा, और कम वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ऐसी मान लो बेंजीन रिंग में अगर ऐड हो, बेंजीन रिंग में अगर इस तरह से ऐड हो, तो बेंजीन रिंग में हालांकि एक और इफेक्ट लगता है तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मान लो आपके पास यहाँ पे कार्बोकैटायन है यानी कि CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे ऐड है मेटा पोजिशन पे, इसे हम कहते हैं ऑर्थो, ये दोनों पोजीशन और तो जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं एक बार, इन दोनों को कहेंगे हम मेटा, और ये आपके पास पैरा पोजीशन। तो यहां पे आपने क्या किया, एक बार हमने CH3 ले लिया, CH3 है, साथ में हमने क्या किया, एक बार एक डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH2 पॉजिटिव, यहां पे हमने ले लिया CD3, ठीक है, और एक और हो सकता है हम CT3 भी ले लें, CH2 पॉजिटिव CT3। अब हम इनकी डिस्कस करते हैं, तो यहाँ के अगर हम डिस्कस करें तो बात, अभी हम प्लस आई के या तो माइनस आई के बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्लस या माइनस आई से देखें तो इसका क्या होगा, सबसे कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि बाकी तो एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा तो स्टेबल सबसे ज़्यादा करेगा, और ये कंडीशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। हम इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हालांकि डिस्कस कर सकते हैं, बट आप उस सीरीज को देखें और उस सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन करें तो आप इजीली कर सकते हो। मान लो कहीं पे आपके पास इस तरह से क्वेश्चन है, कहीं पे डबल बॉन्ड है और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है और कहीं पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, सेम ही क्वेश्चन में
एक हमने लिया कि केएपी के आपके आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। अब इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ एस्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, तो एस्टेबिलिटी की बात करें तो एक और कंडीशन आ सकता है, हालांकि इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दें क्योंकि एक और कंडीशन आएगा जो रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है, तो फिर हम वहां से देखें तो स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगा। तो हम ये काम करते हैं, इसको पॉजिटिव को यहां पे ले लेते हैं, फिर ये रेजोनेंस वाला काम नहीं आएगा, फिर हम प्लस आई या माइनस आई से कर लेंगे क्योंकि रेजोनेंस अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो ये क्या है, आपके पास sp2 कार्बन है और ये sp कार्बन है और ये आपके पास sp3, क्योंकि यहीं पे चेंजिंग हो रहा है, जहाँ पे चेंजिंग हो रहा है वहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पे sp2, sp और sp3 ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अब देखो ये माइनस आई शो करता है, ट्रिपल बॉन्ड का हमने लिखा था, ट्रिपल बॉन्ड बेंजीन, उसके बाद फिर क्या लिखा था हमने, डबल बॉन्ड जो सबसे लास्ट वाले सीरीज में था। तो ये क्या करेगा, माइनस आई शो करेगा, और ये भी क्या करेगा, माइनस आई शो करेगा। तो ये तो एक तरह से माइनस आई कह सकते हो कि माइनस आई शो कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है आपका, प्लस आई शो कर रहा है, क्योंकि बाकी चीज तो सेम है। तो अगर ये दोनों माइनस आई शो कर रहा है तो इसका जिसका माइनस आई ज्यादा होगा स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो अगर हम बात करें माइनस आई किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ के हाइब्रिडेशन ज्यादा है तो माइनस आई इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, और इसके बाद इसका हो जाएगा, और ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये प्लस आई शो कर रहा है, दैट्स इट। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंपेरिजन कर सकते हैं क्वेश्चन में। चले नेक्स्ट हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, जब किसी भी मॉलिक्यूल्स में आपके पास इस तरीके से आ जाए कि कोई कार्बन है और इसमें तीन एटम्स है xyz और एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाए इस तरह से, यानी हमने क्या किया यहाँ पे कि आपके पास जो s था एक्साइटेड स्टेट में p में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेड रह गया, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, ये अनपेड रह गया, और हमें पूछा गया कि बताओ अब इसका स्टेबिलिटी या फ्री रेडिकल है। तो ये आपके पास इंटरमीडिएट था, अब इसको आप पूछा जाएगा अलग अलग एक्स वाई जेड के जगह पे अलग अलग ग्रुप्स ऐड करके कि स्टेबिलिटी क्या होगा। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग कि ये क्या है आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्डेड यानी कि 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड आपका, ये आपके पास पैरामैग्नेटेड हो जाएगा। थर्ड क्या होगा, ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। फोर्थ हम क्या बात कर सकते हैं, इनकम्प्लीट है तो आपके पास नेक्स्ट है ए भी एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल्स है, तो इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास पहला क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटेड है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अब देखो ये अभी ऐसा कंडीशन होता है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो ये भी कार्बोकैटायन जैसा बन गया। कार्बोकैटायन जैसा क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कार्बोकैटायन जैसे कि कार्बोकैटायन में था 6 इलेक्ट्रॉन था, कार्बन इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो सेम कंडीशन होगा कि अगर ये तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो जैसे कार्बोकैटायन के कंडीशंस होते हैं वैसे एग्जैक्टली सेम कंडीशन होता है आपका फ्री रेडिकल का, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, सेम कंडीशन, क्योंकि आपके पास अगर माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट तो और भी डिफिशियंसी हो जाएगा, तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। चलिए हम इन्हीं क्वेश्चंस की बात करते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं फ्री रेडिकल बना लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। लेट सपोज मान लो यहाँ पे फ्री रेडिकल है, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल है और यहाँ पे फ्री रेडिकल है, तो अब क्या होगा स्टेबिलिटी, जैसे मैंने बोला कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी वैसे ही क्या होगा फ्री रेडिकल का भी स्टेबिलिटी होगा। एग्जैक्टली आप सेम देख सकते हो कि क्या होगा यहाँ पे माइनस आई तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट विड्रॉ करेगा, बट आपके पास माइनस आई यानी इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई हो या माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होने की वजह से डिस्टेंस ज़्यादा है तो विड्रॉ कम होगा तो डिस्टेबलाइज कम करेगा और ये डिस्टेबलाइज बहुत ज़्यादा करेगा, ये बहुत ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा डिस्टेबलाइज ये करेगा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा। सेम हम यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना दिया तो एग्जैक्टली जो आपके पास कार्बोकैटायन का था इनके भी सेम ही चीज़ बनते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेमी कंडीशन है कि ये आपके पास प्लस आई है, ये दोनों माइनस आई शो कर रहा है। अगर ये दोनों माइनस आई शो कर रहा है, प्लस आई वाला तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा, क्योंकि प्लस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, स्टेबलाइज करता है, और ये दोनों डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों डिस्टेबलाइज कर रहे हैं तो कौन ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इसका माइनस आई ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, इसका माइनस आई कम होता है तो ये कम डिस्टेबलाइज करेगा, तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। सेम यहाँ पे भी मान लो आप फ्लोरीन है और यहाँ पे सी एच थ्री है, ये दोनों माइनस आई शो कर रहा है, ये दोनों प्लस आई शो कर रहा है, बाकी एग्जैक्टली सेम है, तो प्लस आई की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ये माइनस आई से स्टेबिलिटी को घटाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ की बात करें, मान लो ये फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल होगा, तो यहाँ पे भी कंडीशंस क्या होंगी, सेम होंगी कि NH2 और NHNO2 दोनों की बात करें तो दोनों ही क्या आपके पास माइनस आई है। अब दोनों ही माइनस आई है, बट इसका माइनस आई ज़्यादा है तो डिस्टेबलाइज ज़्यादा करेगा, ये डिस्टेबलाइज कम करेगा। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे भी सेम कंडीशंस होंगी कि मान लो यहाँ पे आपके पास फ्री रेडिकल है, अब यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगा कि यहाँ पे सी एच थ्री, सी डी थ्री और सी डी थ्री, इन तीनों की अगर बात करें तो इनमें क्या होगा, सी डी थ्री का इफेक्ट ज़्यादा होता है प्लस आई का एज कम्पेयर टू सी डी थ्री, और सी डी थ्री का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सी एच थ्री, तो इफेक्ट ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, वो इससे कम करेगा और ये इससे भी कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम ही क्वेश्चन है, फिर से फ्री रेडिकल ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास एग्जैक्टली, अगर फ्री रेडिकल है तो यहाँ पे क्या होगा, sp2 है, यहाँ पे sp है और वहाँ पे sp3 है, तो sp वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉ करेगा, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगा, तो सबसे कम हो जाएगा स्टेबिलिटी इसका। इसके बाद ये विड्रॉ करेगा तो ये इसकी स्टेबिलिटी और डिक्रीज करेगा, बट ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो ये सबसे फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फ्री रेडिकल था जो मैंने डायरेक्टली डिस्कस कर लिया, क्योंकि फ्री रेडिकल और कार्बोकोटाइन में एज सच कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इस वजह से मैंने क्या किया, दोनों को सेम ही क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर दिया। आप इन तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, यहाँ से बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इंटरमीडिएट की बात करते हैं, दैट इज कार्बोनाइन थर्ड। कार्बोनाइन की बात करें तो जैसे आपके पास कार्बोकोटाइन फ्री रेडिकल होता है, अच्छा फ्री रेडिकल में एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं आप लोग, जो फ्री रेडिकल होता है ना वो भी इलेक्ट्रोफाइल ही माना जाता है, क्योंकि वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लवर होता है, बट वो लुईस एसिड नहीं होता। लुईस एसिड क्यों नहीं होता, क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बस या एक इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर सकता, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन लवर हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल तो हो गया, बट वो लुईस एसिड नहीं है, और उसमें कोई चार्ज नहीं था, उसमें एक आपका रेडिकल था। चलिए हम बात करते हैं कार्बोनाइन की, कार्बोनाइन में फिर से वही होगा कि आपके पास क्या है, एक्स वाई और जेड होंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, चाहे तो आप पी से भी दिखा सकते हो, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा कार्बोनाइन में, और तीन आपके ग्रुप्स अलग अलग ऐड होंगे। इसके करेक्टरिस्टिक की बात करें तो करेक्टरिस्टिक हम ये बात कर सकते हैं, इसमें क्या है आपके पास नेगेटिव चार्ज है। सेकंड करेक्टरिस्टिक हम क्या बात कर सकते हैं नेगेटिव चार्ज के साथ, ये आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 एंड 2, 8, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है आपके पास, जो कार्बन के आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर आपके पास एक्साइटेड होकर हाई स्टेट में जाते हैं, और फिर वहां से जैसे ये कंडीशन है, ये वाला है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, दो बॉन्ड तो यहां से बनेगा और तीसरा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की वजह से बनेगा, जिसकी वजह से एक लॉन पेयर रह जाता है, लॉन पेयर रह जाता है, नहीं नेगेटिव चार्ज रह जाता, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से उसके पास दो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से आपके पास क्या होगा, अब ये वैकेंट नहीं है क्योंकि ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, ये भी कर जाते हैं, तो बचा एक लॉन पेयर बचा तो दो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है सो दैट मीन्स ये क्या है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। अगर डायमैग्नेटिक है, नेक्स्ट हम क्या बात कर सकते हैं, ऑक्टेट, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट, या फिर कंप्लीट ऑक्टेट लिख सकते हो कि इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट, या फिर कंप्लीट ऑक्टेट। फोर्थ क्या बात कर सकते हैं कि अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये हो जाएगा sp3, क्योंकि आपके पास 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर है, तो तीनों को मिला के 3 और 1 4 4, यानी कि sp3 हो जाएगा। यहाँ पे हम फिफ्थ पॉइंट बात कर सकते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है,
नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्यों कहा हमने, क्योंकि ये क्या होता है, न्यूक्लियस लवर होता है, न्यूक्लियस लवर भी इस न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज मिले और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। अगर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा पॉजिटिव चार्ज से कंबाइन करके, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज को चाह रहा है, यानी कि न्यूक्लियस को चाह रहा है। तो न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है आपका, जो आपके पास न्यूक्लियस लवर होता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज लवर होता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट हम क्या बात कर सकते हैं इसके बारे में, एक और, तो ये आपके पास लुईस बेस होता है, क्योंकि लुईस बेस का डेफिनेशन क्या था, कोई ऐसा बेस जो लॉन पेयर को डोनेट करे, ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, दैट इज योर लुईस बेस। तो हम इन बातों को हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो होगी, इसके बाद हम अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास टेट्राहेड्रल आता है या फिर ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेन तो नहीं, इसका पिरामिड आता है। अगर हम इसका शेप की बात करें तो शेप क्या होता था, पिरामिडल, कि तीनों एक साथ इस तरह से अरेंज है, यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे एक आएगा 3 और लॉन पेयर इसके ऊपर होगा, दैट इज ए पिरामिडल। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो दैट विल बी योर टेट्राहेड्रल। चलिए हम बात करते हैं अब इसकी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी की बात करें तो हम किस तरह से स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं, सिंपल है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच, आप चाहे तो मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट कि इट इज क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन रिच है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आप स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी कैसे डिस्कस करेंगे, तो स्टेबिलिटी के लिए सिंपल, आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, नेगेटिव चार्ज है, अगर तीनों इलेक्ट्रॉन, अगर तीनों जो स्पेसिस है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी इंक्रीज होगा, पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है जिसकी वजह से अनस्टेबल है, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो स्टेबिलिटी और भी डिस्टेबलाइज हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए नहीं, इसको तो न्यूक्लियस चाहिए, इसको पहले से इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन पहले से रिपल्शन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अब नहीं चाह रहा, ये चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स, अगर ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिस्टेबल है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस चाहिए ना कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को अगर डिक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करने के लिए कौन सा ग्रुप चाहिए आपको, माइनस आई, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होगा वो इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस आई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लस आई के, जस्ट रिवर्स ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा और यहाँ पे घटेगा। चलिए हम इनके विशेष में कुछ क्वेश्चंस की डिस्कस करते हैं। लेट सपोज जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मान लो फ्लोरिन है और यहाँ पे आपके पास क्लोरिन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ब्रोमीन, चाहे तो आप आयोडीन तक भी ले सकते हो, तो ये आ गया आपके पास कंडीशन। जो आपके पास चेंज हो रहे हैं उसके डिस्कस करते हैं, ये माइनस आई शो करेंगे तीनों ग्रुप, और माइनस आई अगर शो कर रहे हैं तो क्या होगा आपके पास, माइनस आई जो ज़्यादा शो करेगा वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ करेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं कि आपके पास मान लो साइक्लिक में इस तरीके से गिवन है और ये अपनी पोजिशंस को चेंज कर रहा है, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन इज दिस वन। अगर हम बात करें तो ये सी एस थ्री ग्रुप है, ये भी सी एस थ्री ग्रुप है, ये भी सी एस थ्री ग्रुप है, तो ये सभी के सभी क्या होंगे, प्लस आई को शो करेंगे। अगर ये प्लस आई को शो कर रहे हैं तो क्या होगा आपके पास, ये डिस्टेबलाइज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा यानी कि इस डायरेक्शन में इस तरह से डोनेट करेगा, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और भी इंक्रीज करेगा और स्टेबिलिटी और भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी डिस्टेबलाइज करेगा। तो अब देखो क्या है, तीनों ही प्लस आई है और तीनों सेम ग्रुप है, तो फिर कैसा देखेंगे हम, डिस्टेंस से देखेंगे कि एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, तो इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इफेक्ट डिक्रीज हो गया, तो इफेक्ट यहाँ पे सबसे कम है तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो डिस्टेबलाइज में हम रिवर्स देखेंगे, जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्लस आई सबसे ज़्यादा इसका होगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा रिवर्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं कि लेट सपोज आपके पास जो बेंजीन रिंग था, बेंजीन रिंग पे आपके पास इस तरह से नेगेटिव चार्ज है CH2 नेगेटिव, यहां पे भी CH2 नेगेटिव, और नेक्स्ट
सी एच टू नेगेटिव। हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार सी एच थ्री ले लिया, एक बार सी डी थ्री ले लिया और सी टी थ्री। अब हम इसकी डिस्कस करते हैं। अगर हम इनकी डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या डिस्कस कर सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, सी एच थ्री, सी डी थ्री और सी टी थ्री में प्लस आई सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा। अब प्लस आई सबसे ज़्यादा इसका है यानी कि डी स्टेबलाइज सबसे ज़्यादा यही करेगा, पोजिशन तो सबकी सेम है। अब प्लस आई इसका ज़्यादा होता है हम पहले देख चुके, तो डी स्टेबलाइज सबसे ज़्यादा करेगा तो ये क्या होगा, स्टेबिलिटी ये ऑर्डर हो जाएगा, यानी उसका रिवर्स। वहाँ पे कार्बोकेटाइड का स्टेबिलिटी ये इंक्रीज कर रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा कर रहा था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करने की वजह से ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं।